हमारे YouTube चैनल लवना संबल फिल्मी को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। स्वामी भगवत प्रे जी यहाँ छोटे नाम से कहते हैं, कल के स्वामी कहते सब। आप बंधुपाल तीर्थ के महंत? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ 20 साल से, ऐसे गुजरात का रहने वाला हूँ। वंश गोपाल तीर्थ की क्या मान्यता है? वंश गोपाल की मान्यता तो जब से संभल बना तो कृष्ण भगवान यहाँ आए, तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण करने गए थे, तो वापसी में कृष्ण भगवान यहाँ रात रुके थे रुक्मिणी के सहित। रुक्मिणी ने बोला कि यहाँ क्यों लाए, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बहुत बड़ी रहस्य की बात है कि कलयुग में कल की अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। और इसका प्रूफ के लिए भगवान कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को बुलवा के ये शिव मंदिर की स्थापना करी और ये एक सरोवर बनाया, उसको तीर्थ कहते हैं। तो ये दोनों ब्रह्मा जी ने बनवाया है, ये ब्रह्मा जी स्थापित है और भगवान कृष्ण जी यहाँ आया, ये उनका प्रूफ है कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और मेरे नाम से गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करी और एक रात में मंदिर और तीर्थ दोनों, एक ही रात्रि में मंदिर और तीर्थ की स्थापना करी। अच्छा, यहाँ पर भगवान शिव के साथ एक देवी माँ की भी मंदिर बना हुआ है, मंदिर की क्या मान्यता है? तो ये तो ऐसा है कि वो खास तो ये ब्रह्मा जी द्वारा जो बनाया वंश गोपाल, तो यही खास तीर्थ तो यही है, यही मंदिर है। और ये जो तो बाद में कोई संत लोग आते जाते रहते थे, तो ये संत लोगों ने ये वाला मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर, ये भी प्राचीन मंदिर है, 500-700 साल पुराना ये भी है, 5200 वर्ष तो उसका हो गया। ये कदम का पेड़ भी उसी समय का प्रूफ है, कृष्ण भगवान जब यहाँ आए तो ये कदम का पेड़ देख के यहाँ रात रुके, ये तो पूरा जंगल था, लेकिन पूरे ना संभल में रुके ना इधर क्या रुके, ये कदम के पेड़ नीचे बैठ के रुक्मिणी को ये सारी बात बताई थी कि कलयुग में कल के अवतार लेके मैं संभल में आऊँगा। कदम के पेड़ को? हाँ, ये मेन तो नाम उसका कल्पत्रु नाम है, फिर सत्ययुग में कल्पत्रु कहते थे, बाद में त्रेता व द्वापर में कल्पवृक्ष कहते थे, आज के समय में कलयुग में कदम का पेड़ कहते हैं। अच्छा, कदम के पेड़ की क्या मान्यता है? कदम का पेड़ उसको, उसके नीचे बैठ के जो संकल्प करते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसको कल्पत्रु कहते हैं। तो जो कोई भी संकल्प करे, शादी का, ब्याह का, कोई बालक के, कोई नौकरी धंधा, बिजनेस, खेती के लिए, या कोई भी मनोकामना हो तो ये संकल्प करके सात परिक्रमा करते और नीचे बैठ के उसकी प्रार्थना कर लेते, मनोकामना कर लेते, संकल्प कर लेते, तो उसका गुजराती में तो लिखा है कि कल्पतरु सर्वना संकल्प सत्य करे, पास से जय प्रीत शिव सेवे जा रहे। तो ये तो और भी शास्त्र में लिखा है, तो सभी शास्त्र का ही प्रमाण है। कल्पतरु का पेड़ तो आसपास में, अपने संभल के आसपास में 200 किलोमीटर तक क्या ही कोई पेड़ है ही नहीं, तो ये साक्षात मतलब कल्पतरु पेड़ है, भगवान कृष्ण जी का स्थली है, अवतार स्थली भी है और प्लस भगवान कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना कर दी, उसकी खूब महिमा है। और यहाँ की जो मान्यता है, तो मान्यता में ऐसा है कि यहाँ ये जो भगवान कल्कि जी का घोषणा करी भगवान कृष्ण जी ने, तो तभी से यहाँ उसका नाम गोपालेश्वर महादेव रखा। लेकिन यहाँ की जो मान्यता है कि किसी को संतान ना होता, भले 50-60-70 साल का आदमी हो और यहाँ मन में संकल्प कर लेता है तो भी उनके भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं। उसका नाम ही वंश गोपाल है, इसी से यहाँ से वंश चलता है, इसलिए उसका नाम वंश गोपाल रखा गया। अच्छा, यहाँ संभल में एक बार 24 कोसी परिक्रमा भी होती है, वो किन दिनों? अच्छा, हाँ, यहाँ ये पुरातन मंदिर है और ये संभल भी पुरातन है, सतयुग से हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ ऋषि मुनियों, संतों बहुत यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ की परिक्रमा का संकल्प लिया कि यहाँ परिक्रमा निकले तो अच्छा, तो पहले से परिक्रमा चली आई, किसी की मनोकामना होती है तो यहाँ 5 सोमवार आते हैं और 5 सोमवार तीर्थ में स्नान करते हैं और दीपावली के बाद चौथ और पांचम की यहाँ फेरी निकलती है और मेला लगता है। और कल्कि जयंती वैशाख शुद्ध द्वादशी के दिन यहाँ कल्कि जयंती मनाई जाती है, भंडारा भी होता है और उसी समय में भी भंडारा होता है जब फेरी निकलती है। फेरी में तो
लाखों लोग हो जाते हैं आसपास में, ऐसे 200-300 गांव से लेकर ठेठ पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इधर से लोग बहुत दर्शन करने आए थे, आते हैं। ये जो संभल की परिक्रमा होती है, ये कितने कोस की कहलाती है? ये संभल की यहाँ जो परिक्रमा है, ये संभल 24 कोस में फैला हुआ है और 52 किलोमीटर में है। ये 24 कोस 52 किलोमीटर में है, तो 2 दिन लग जाता है। सुबह यहाँ से 4 बजे परिक्रमा निकलती है चौथ के रोज, और पूरे दिन भर घूम के रात को चंद्रायन एक तीर्थ स्थान है, तो वहाँ सभी भक्त लोग रात रुक जाते हैं। वहाँ भी भोजन पानी वगैरह सब अच्छी सुविधा होती है। वहाँ से फिर स्नान करके भक्त लोग पैदल पैदल चल के और वापस दोपहर 12-1 बजे से 4 बजे तक यहाँ से वापस आ जाते हैं। शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं, और यहाँ मेला लगता है और भंडारा भी होता है। अच्छा, वंशगोपाल तीर्थ का किन किन धार्मिक पुस्तकों में वर्णन किया गया है? भागवत जी का, ये संभल का या वंशगोपाल का, तो स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्मवृत्त पुराण में, ऐसे 9 पुराण में उनकी महिमा लिखी हुई है संभल की। और गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी ने भी लिखा है, 17 दोहा लिखा है कि भला भाग संभल का जहाँ हरिशु हरि पधारेंगे, कि यहाँ भगवान साक्षात हरि अवतार लेके आएंगे, खूब महिमा लिखी है। और स्कंद पुराण में तो पूरे संभल की 68 तीर्थ 19 कूप और 52 कोस का जो ये 52 सराय का भी उनका उल्लेख लिख के बहुत महिमा लिखी हुई है। आपने हमारे YouTube चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ साक्ष्य भी आपने दिए हैं और वर्णन भी किया है तीर्थ का, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री काल। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिया गया बेल आइकन बजाएं, ताकि हम आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें।